इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के मैसेंजर को कैसे आ, दो मैसेंजर को कैसे यूज़ करेंगे दो मैसेंजर को कैसे अपने डिस्प्ले पे इंस्टॉल करेंगे दिखाएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी मोबाइल की सेटिंग देख रही दिख रही है तो आपको अब जाना है अपने मोबाइल में एप्स में हो सकता है आपके मोबाइल में एप्स एंड मैनेजर हो या एप्स मैनेजमेंट हो इस तरह से सभी अलग अलग मोबाइल में सभी आ, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं तो आपको चले जाना है ऐप्स में और ऐप्स में जाने के बाद आपको जाना है डूल ऐप्स यहाँ पे आपको दिखेगा इस पर क्लिक करना है और डुलल ऐप्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है मैसेंजर कि आपकी मैसेंजर कहाँ है अगर इस तरह से आपको नहीं मिल रही है तो ऊपर जा करके आप सर्च भी कर सकते हैं जैसा कि हम आपको बताते हैं यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको मैसेंजर सर्च करना है तो यहाँ से आप जैसे इसे इनेबल कर देते हैं तो आपके स्क्रीन पे दो मैसेंजर आ जाएंगी तो एक मैसेंजर तो वहाँ दिख रही है और एक मैसेंजर यहाँ पे आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं तो दोनों को हम एक साथ आपको दिखाएंगे जैसे कि ये दिख रही है तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रही है तो आपके स्क्रीन पे दो मैसेंजर आ जाएंगे और इस मैसेंजर पे भी आप लॉगिन करके यूज कर सकते हैं तो यही इसका प्रोसेस है अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा